वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिर से एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लाई हूं और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि आप बिना चेक करे हुए कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक महिला के लिए बहुत ही सुखद पूर्वक अनुभव होता है और इस बीच उसे कई परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आज के दौर में तो आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आप ये पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन अगर आप उसके पहले अपने कुछ आपको ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं पीरियड मिस होने के बाद, तो आप ज़रूर गेस कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और बाद में आप टेस्ट के माध्यम से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जब पीरियड हमारा मिस होता है तो उस समय हमें हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव आता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें अचानक से थकान लगने लगती है और मॉर्निंग सीकनेस एकदम स्टार्ट हो जाता है और चक्कर आता है, वॉमिटिंग होना हमें महसूस होने लगता है। तो ये फ्रेंड्स हमें प्रेगनेंसी के ये कॉमन लक्षण हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पेट में तीन ये परेशानियाँ हो रही हैं पीरियड मिस होने के करीब 5 से 6 हफ्ते बाद ये नज़र आ रहा है, तो आप ये संकेत मान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आपके पेट में मांसपेशियों में खिंचाव हो रही है और फिर स्ट्रेस होने लगता है, तो इसे भी प्रेगनेंसी का लक्षण माना जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पेट में लगातार दर्द को भी प्रेगनेंसी का लक्षण माना जाता है। और इसके अलावा ब्लोटिंग यानी पेट फूलना भी प्रेगनेंसी के चलते महिलाओं को होता है, तो ये भी आपका एक ये लक्षण माना जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपका पेट पीरियड मिस होने के बाद हमेशा भरा हुआ लग रहा है और फूला हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे में महिलाओं को पेट में सूजन महसूस हो सकती है, यह भी एक प्रेगनेंसी का ये सिम्टम माना जाता है। फ्रेंड्स, तो आप ऐसे आप गेस कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है या नहीं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ईचिंग भी हो सकती है आपका पीरियड मिस होने के बाद। आपको स्टार्टिंग में अगर ईचिंग महसूस हो रही है और या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पिंपल्स निकल रहे हैं, कई लेडीजों को तो फ्रेंड्स पीरियड मिस होने के बाद या प्रेगनेंसी में ज़्यादा मतलब पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस में पिंपल्स निकलने लगते हैं, पूरे बॉडी में ईचिंग होने लगता है और कई को वाइट डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो ये सब फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।